गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिस इज जस्ट अनदर डे इन गोवा और हमारा डेली का यहाँ रूटीन हो गया है। सबसे पहले हम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा जाते हैं बीच में एक दो घंटे आराम से नहाते हैं, उसके बाद ही भाई अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। तो जो वो नहाने वाला पार्ट होता है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है दिन का, रिलैक्सिंग पार्ट होता है, मतलब दिन भर की फ्रेशनेस दे देता है आपको, और शाम के बाद आपको फिर थकान होती है। तो भाई अगर आप गोवा आ रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा बीच के पास का मतलब होटल वगैरह एकोमोडेशन लेने का, और वो भी थोड़ा शांत बीच, जैसे कि ये मोरजिम एरिया है, काफ़ी अच्छा है। तो मोरजिम रहने के लिए बहुत अच्छा है बीच के हिसाब से भी, वैसे जो गोवा वाला वाइब है उसके लिए भी। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ लगभग डेली ही हम सुबह आकर ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब ये हमारा परमानेंट वो होता है ना, एक जगह बन गया है ब्रेकफास्ट करने का। पीछे आप देख रहे हो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. तो भाई हर दिन की तरह आज फिर हम पहुंच गए अपने फेवरेट मोरजिम बीच पर। देखो ये बीच कितना खाली रहता है, बिल्कुल खाली, मतलब जो लोग भी यहाँ दिखेंगे उसमें 90% फॉरेनर्स ही दिखेंगे आपको, इसलिए थोड़ा सभ्यता भी फील होती है इस बीच पर। वरना गोवा में तो ऐसे बीचेस भी हैं जहाँ साइड में टट्टी की रहती है। ये देखो ये बहुत फेमस क्लब है यहाँ का, पीछे एंटी सोशल नाम से। आप मोरजिम में जैसे ही एंटर करोगे आपको हर जगह एंटी सोशल का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, काफ़ी पार्टी होती है यहाँ पर। रात में अगर आप 10-11 बजे आओगे पूरा लाउड म्यूज़िक, एकदम गोवा वाली पार्टी वार्टी होती रहती है, और रात में देखो यहाँ तक पानी आ जाता है। That she won't forget, having no regrets is all that she really wants. So guys, लगभग एक घंटे से समंदर में नहा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब जितना भी ब्रेकफास्ट किया, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, सारा कुछ डाइजेस्ट हो गया, मस्त फ्रेश लग रहा है, मूड भी फ्रेश हो गया, पेट भी फ्रेश हो गया, मजे ही मजे आ रहे हैं एकदम। और यहाँ लोग भी अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, कई मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। यही हमारा डेली का लगभग का रूटीन है, डेली हम यही करते हैं, नाश्ता करते हैं और बीच पर आ जाते हैं। बीच मतलब एकदम स्कूटी से आप देखो तो 10-15 मिनट का रास्ता है। तो गाइज आज हम आए हैं मोरजिम बीच, मतलब हमारे घर के पास, हमारे होटल के पास जो बीच था वो सिल्वर सैंड्स बीच था, और वो तो खैर काफ़ी खाली खाली सा रहता है क्योंकि वो प्रॉपर बीच नहीं है, बट बहुत ही शांति रहती है। ये हम जहाँ हैं वो मोरजिम बीच है, ये प्रॉपर बीच है, यहाँ रूम शैक्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं। और इधर आप देखोगे तो जो शॉपिंग के लिए मतलब शर्ट वगैरह बीच, टी शर्ट बीच, बीच पैंट्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। और उधर सामने मोरजिम बीच है, ये यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं है बट एक प्रॉपर बीच है जिसको बोलते हैं। यहाँ रास्ते में एक बैरिकेड भी लगाया हुआ है ताकि कोई गाड़ी वगैरह स्कूटी लेके अंदर ना जाए। भाई वैसे नॉर्मली बीचेस तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब क्या ही नया है बीचेस में, सारा बीच ही सुंदर होता है, बट वही है कि अलग अलग बीच पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग वाइब होता है, लेकिन मोर और लेस बीचेस सारे एक जैसे ही होते हैं। और मेनली सनसेट यहाँ देखने में बहुत मज़ा आता है। वो देखिए पानी के बीच में, समुद्र के बीच में एक बड़ा सा चट्टान है, बिल्कुल वो जाते हैं ना बाली में जो काइकिंग करने जाते हैं वैसा वाला व्यू दे रहा है बिल्कुल। बहुत सुंदर है गाइस, आप लोग देखो ये जगह को, बहुत ही सुंदर है भाई। वो पहाड़ जो है वहाँ अगर कोई जाने का तरीका होता ना, मतलब बोट वोट लेके वहाँ जाने का, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो जगह। पता नहीं वहाँ कोई जा भी सकता है या नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत है। Doubts are running round her head. He is waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up. अच्छा लग रहा है ये सनसेट के पीछे, और ये जो लाइट आती है सन की, आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ चलोगे हर जगह आपको फॉलो करती रहेगी, बहुत खूबसूरत है। और ये इस एरिया में ये जो बीच का जो मतलब लैंड एरिया है वो पूरा अंदर तक गया हुआ है पानी में, बहुत ही अलग लुक दे रहा है इस जगह को। और सामने वो पहाड़ देखो, वो तो खैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो भाई बीच देखने के साथ ही ना पता नहीं क्यों नहाने का एक जो वो होता है ना,
नहाने की इच्छा बीच में जाकर समुंदर में कूद कर वो पता नहीं क्यों आने लगती है। बट कितना ना सारे कपड़े भी गंदे हो जाते नहाने में, मन करा बस चला जाऊँ एक दो घंटे पानी में ही रहो। बहुत अच्छा फीलिंग आता है अगर आप बीच पर आ रहे हो भाई, नहाना ज़रूर बीच पर, मैं थोड़ा सेफ्टी के साथ, ये नहीं कि बस कहीं बीच में चले गए क्योंकि आगे लहरें बहुत ज़्यादा है उधर, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ बट ज़रूर बीच में नहाना ट्राई करना, बड़ा एक अलग सा फील आता है, थोड़ा बॉडी वॉडी जैसे चटचटा सा हो जाए नमक की वजह से, बट भाई ज़रूर करना। तो गाइस आई होप यू लाइक दैट टाइम लैप्स, लगभग 20 मिनट लगे उस टाइम लैप्स को बनाने के लिए, और अभी तक हम बीच पर ऐसे साथ में बैठे हुए सब लोग, तीनों लोग, और सनसेट का बस व्यू ले रहे हैं, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। एक बार कहीं बीच आ जाना, फिर जाकर फिर निकल कर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता, लगता है कि बस भाई यहाँ आ गए तो यहाँ का सनसेट देखते रहें बस, जब तक सनसेट हो नहीं जाता तब तक वहाँ से निकले ही नहीं, ऐसा ही लगता है। पीछे बड़े बड़े बोट्स और फेरीज भी चल रहे हैं यहाँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो बड़े बोट्स चल रहे हैं, शायद उस तरफ जाने के लिए ये लोग चलाते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, पूछा नहीं अभी, बट देखो यहाँ कितनी कम भीड़ है, एकदम खाली खाली, काफ़ी खाली बीच है, सारे लोग सनसेट का मज़ा ले रहे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं आराम से बीच पर, और हम भी यहीं बैठ कर अपना टाइम पास कर रहे हैं।